होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा इस धोखे में ना तू ब्रो, रहना। उसकी मल्टीपल टाइम्स बेइज्जती हो जाने के बाद हर बार वो पकड़ी जाती है, फिर भी उसको हटना नहीं, हट रही नहीं वो, मतलब काले जादू चल रहे हैं। दीदी मैंने उसको भरोसा नहीं किया, वो सच कह रही थी कि मीरा प्रेग्नेंट नहीं है। ब्रो उसने ब्लैक मैजिक किया और फिर तुम्हारी बहू को मारने की कोशिश। हे गाइस, इट्स जन्नत, वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग्स। सो गाइस, आफ्टर 10,000 एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आज हम बात करने वाले हैं सुपर हिट पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन के बारे में, विच इज़ आई थिंक कि अब कुछ लास्ट के एपिसोड्स बचे हैं। आई एम नॉट श्योर बिकॉज गूगल पे दिखा रहे हैं कि इसके 31 या 32 एपिसोड्स हैं टोटल। तो आई थिंक वीव ऑलमोस्ट रीच द एंड। तो गाइज, आज हम एपिसोड 29 के टीजर पर रिएक्ट करेंगे और फिर हम थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बात करेंगे। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये ड्रामा मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। मैंने मुझे प्यार हुआ था मैं देख रही थी और सब लोग मुझे कह रहे थे कि ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है, बट मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। तो मैंने इसके सारे एपिसोड्स बिंज वॉच किए हैं। आई थिंक 2 हफ्ते पहले मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं इसके, एंड आई वॉज इन लव। और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं इसको तब से देख रही थी, और मुझे प्यार हुआ था को देख रही थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीरियल वॉज कि ये लोग एक हफ्ते में 2 एपिसोड देते थे, बड़ा मजा आया। 8th एपिसोड देख लिया है, अब मैं 29th का टीजर देखने वाली हूँ, उसके बाद हम इसकी स्टोरी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। यार ये बटन नहीं चलता ना जब। कोई ऐसी खास डिश हो जो उसे पसंद हो, जो खा के उसका मूड अच्छा हो जाता हो। सोच रही हूँ। तुम्हारा भाई है, अब इसमें क्या सोचने की बात। बिरयानी बहुत शौक से खाता है मेरा बेटा। बस तुम्हें बिरयानी एक बात बतानी थी कि मैंने ख्वाब देखा है, हया को दुल्हन बने हुए देखा है। आगे तुम खुद समझदार जी। बेहतर बनाओ है, इंशाल्लाह आपका ख्वाब जरूर पूरा होगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ मुर्तज़ा। मैं कराची रॉयल से मिलने की नीयत से नहीं गई थी, सभा से मिलने गई थी। उससे मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया। यहाँ से कूदने से मेरी सच्चाई साबित होगी। वो सच्ची में तो नहीं कूद जाओगी? देखो गाइस, पहली बात तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। मेरे पॉइंट्स ये है कि हया कितनी ढीठ है ब्रो। उसकी मल्टीपल टाइम्स बेइज्जती हो जाने के बाद हर बार वो पकड़ी जाती है, फिर भी उसको हटना नहीं, हट रही नहीं वो, मतलब काले जादू चल रहे हैं। और कोई उसको कुछ इतना कहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मैजिक वाली बात पकड़ी गई, कुछ बात बनी नहीं उसकी, कोई हवा बना ही नहीं। और उसने उसको तेल गिरा के गिरा दिया मीरभ को, ठीक है उसको भेज दिया, लेकिन उसके बाद माँ बेगम कह रही है कि उसको मैंने भेज दिया, मैंने उसको भरोसा नहीं किया, वो सच कह रही थी कि मीरा प्रेग्नेंट नहीं है। ब्रो उसने ब्लैक मैजिक किया और फिर तुम्हारी बहू को मारने की कोशिश की। जितना सीर और प्लस मुर्तजिम शादी से पहले तो बहुत इसको बहुत क्लियरली बोल देता था, दूर हो जाओ मेरे से फलाना टिंगड़ा। शादी के बाद ये भी सॉफ्ट हो गया, बड़े आराम आराम से सब हया को रख रही है। मतलब उसको, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब वो कैरेक्टर, मतलब इतना ढीठ कैरेक्टर, ऊपर से कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा, मतलब ठीक है। और दूसरी बात माँ बेगम, मुझे माँ बेगम का जो रोल है ना वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एट टाइम्स वो मीरभ से राज बराज हो जाती है, बट मतलब ऑन एंड ऑफ चलते हैं उनके मूड स्विंग्स। सो इफ मीरभ हैज डन समथिंग रॉन्ग तो वो बोलेगी, लेकिन जब उसको कोई ज़रूरत होती है मीरभ को तो वो बताती भी है। जैसे कि अब वो उससे नाराज़ थी लेकिन उसने पूछा कि वो फेवरेट खाना क्या खाती है, तो उसने बिरयानी बता दिया।
तो मुझे उनका रोल अच्छा लग रहा है एज अ मतलब मदर इन लॉ जो दिखाया हुआ है ना कि वो बुरी नहीं है, शी इज़ नॉट द विलन. तो अभी भी जैसे शी इज़ प्लानिंग टू गेट हया मैरिड, तो मुझे उनका रोल अच्छा लगता है. दूसरी बात, रोहेल भाई एक मतलब एकदम से आया वो और पागल ही हो गया मतलब, और उसको उतरवा के कैब में से. वैसे तो मीरा बहुत जवाबदेही है भाई, हर चीज़ में हमने जवाब देने, उसको उठा के अपनी गाड़ी में बैठा के अपने घर ले गया और वहाँ भी इसको साफ साफ बोल के वहाँ से भाग नहीं रही है. वहाँ पर उससे पूछ रही है मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरी शादी हो गई है, अब मैं कैसे करूँगी, अब मैं ये कैसे करूँगी. भाई तू कहते मेरी शादी होगी, मैं जानी तो मुझे आके लेकर आए. एनीवे तो गाइज ये है. और दूसरी बात, मीरब मीरब की जो ठग लाइफ है, मीरब की ठग लाइफ ये है कि वो कुछ गलत कर भी दे तो भी वो फुल एटीट्यूड पर रहती है. वो थोड़ा सा उसका ना एक एक्सप्रेशन पे जूम करते हैं कि शी इज़ फीलिंग सॉरी या समथिंग लाइक दैट. कट्टू जैसे ही कुछ होता है वो फुल एटीट्यूड में उसको हाथ पकड़ लो, हाथ छुड़ा के भाग जाएगी. मतलब ऑल एंड ऑल आई लव दिस ड्रामा. एंड अब मैं गेस ये करती हूँ कि आगे आने वाला एपिसोड, अगर ये एंड होने वाला है, आई एम प्रेइंग कि इसका कोई सैड एंड ना हो. तो ये जो गिरने वाला इन्होंने दिखाया, आई डोंट थिंक कि वो गिरेगी, उसको पकड़ लेगा हाथ बात करके व्हाटएवर. तो अभी तक तो जैसे मुर्तजिम वाज चेजिंग मीरब, तो अब वही होगा कि लास्ट के कुछ एपिसोड्स में अगर थोड़े से बचे हैं तो मीरब विल ट्राई एंड इट विल यू नो स्लोली इन वन एपिसोड और टू उसको लगने लगेगा कि भाई मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये उसको मनाएगी. जैसे कि अभी आज इसने सॉरी अगले एपिसोड में ये डिनर रखेगी, फिर धीरे 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 मुर्तजिम मान जाएगा. एंड सो आई एम होपिंग कि इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो, बाकी तो पता नहीं. एंड रोहेल का क्या हुआ मुझे नहीं पता, पागल है वो. और हया बेटी की तो शादी कर दो भाई, बहुत पागल है वो. सो गाइज ये है मेरी भविष्यवाणी. एंड आई लव्ड, मुझे ये सीरियल इतना ज़्यादा पसंद आया ना. अगर आप लोग स्टार्टिंग से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैं मोस्टली सीरियल्स देखती नहीं हिंदी, लेकिन मैंने खुदा और मोहब्बत देखा है, मैंने मुझे प्यार हुआ था मैं देख रही हूँ. मैंने बहुत कम देखे हैं लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया. और भी जो ड्रामाज है आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसपे आप लोग चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूँ या उनकी स्टोरी उसको देख के फिर स्टोरी के गैसेस वैसेस लगाऊँ. सो गाइज बहुत देर बाद वीडियो बनाई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पे भी रिएक्ट करूँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूँगी और जो भी आप बोलेंगे उस पर रिएक्ट भी करूँगी. सो गाइज दिस इज माई रिएक्शन एंड आई रियली होप दैट यू लाइक इट एंड इफ यू डिड तो इस वीडियो को जैसे कि मैंने बता दिया. एंड सो गाइज दिस इज सिद्धू व्लॉग्स साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइज़.